हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो एक साल में पोल्ट्री फार्मिंग करके कितना मुनाफा हम कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा पूरी डिटेल में। और मैं आपको बता दूं, आज अपने कॉकरेल का इस मुर्गे का दोस्तों अपने फार्म में 49वां दिन, मतलब 49 दिन उसको हो चुके हैं अपने फार्म में आए हुए। और डेली मैं आपको अपडेट देते रह रहा हूँ, क्या कुछ डिटेल है इसकी मुर्गे की, क्या कुछ कंडीशन है, कितना वेट आ रहा है, कौन सी बीमारी आ रही है, सब कुछ मैं आपको देते जा रहा हूँ। तो जो भी भाई चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि एक साल में हम पोल्ट्री फार्मिंग करके कितना मुनाफा हम दोस्तों कमा रहे हैं, और आप भी सोच रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा पोल्ट्री फार्मिंग की। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक साल का यदि हम टोटल निकालें एवरेज कि हम कितना मुनाफा कमाते हैं, तो दोस्तों ये कॉकरेल का जो मुर्गा होता है यह 3 मंथ में इसको सेल करते तक 3 महीना लग जाता है। और अपने साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12 महीने होते हैं। तो लगभग ये यदि हम फार्म को कंटिन्यू ही चलाएं तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी 3 ही बेच निकल सकती है, यदि हम फार्म को यदि गैप भी रखें। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है ही नहीं कि अपना मुर्गा तुरंत सेल हुआ और हमने तुरंत ही अपने फार्म में चिक्स मंगवा लिए, दोस्तों ऐसा नहीं होता। तो हम एक साल में इसकी बेच निकालते हैं, टोटल 3 बेच निकालते हैं कॉकरेल की। और 3 बेच में दोस्तों ऐसा तो है ही नहीं कि हमें तीनों बेच में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होएगा या हमेशा तीनों बेच में एक समान ही रेट मिलेगा, एक समान ही प्रॉफिट होएगा। दोस्तों ऐसा नहीं रहता, कुछ बेच में हमें घाटा भी होता है तो कुछ में प्रॉफिट भी हो जाता है। या दोस्तों सीजन के हिसाब से फार्मिंग करना पड़ता है कि ताकि हमें अच्छा से अच्छा रेट मिले। मैं आपको बता दूं सीजन की मैंने बात करा दोस्तों, इस काकरेल की फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है ठंड के समय, जो कि काफ़ी अच्छे ज़्यादा रेट रहते हैं ठंड के समय दोस्तों। और गर्मी में इसके रेट 150 के लगभग रहते हैं, क्योंकि गर्मी में दोस्तों अधिकांश फार्मिंग होती है बॉयलर की, और बॉयलर की जो फार्मिंग होती है दोस्तों वो भी कम मात्रा में होती है। क्योंकि उसका रीज़न ये रहता है कि कंपनी के जो फार्म है अधिकांश बंद हो जाते हैं बॉयलर के, इसकी वजह से बॉयलर की मंडी गर्मी में काफ़ी तेज़ रहती है और इसकी मंडी कम रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फार्मिंग करते हैं। और ठंडी में दोस्तों इसकी मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी फार्मिंग कम होती है ठंड के दिनों में, तो यह रीज़न रहता है कि रेट का। वैसे तो आज का रेट दोस्तों बहुत ही माइनस चले गया, 154 रुपये हो गया आज का रेट दोस्तों, 64 कर दिया था, फिर उन्हें 10 रुपये फिर माइनस कर दिया। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी जिसके पास मुर्गा दोस्तों अभी आप यदि साइज हो चुका है 1 केजी का तो आप सेल कर दीजिए, क्योंकि ये रेट में भी आपको नुकसान नहीं होएगा, प्रॉफिट ही होएगा यदि आपका एफसीआर अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे कि एक साल में 3 बेच निकालते हैं, और 3 बेच में हम यदि दोस्तों, अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने हज़ार चिक्स पाल रहे हैं, कितने हज़ार बच्चे की फार्मिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर से आपको दोस्तों एक साल का टोटल बजट निकलेगा। मैं अपने बता रहा हूँ दोस्तों, अपनी टोटल 6000 कॉकरेल की फार्मिंग होती है, तो हमारा लगभग दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, मैंने आज कैलकुलेटर करा टोटल, तो हमारा एक साल का 12 से 11 लाख का दोस्तों एक साल का प्रॉफिट होता है हमारा, एक साल में 11 से 12 लाख, जिसमें दोस्तों हमने लॉस निकाले 2 लाख का, तो समझ लो कि हमें 10 लाख रुपए एक साल में मुनाफा हो ही जाता है समथिंग। उसके बाद जो खर्चा पानी है ये भी निकाले तो 8 लाख के करीब करीब पूरा बजट है वो दोस्तों, शुद्ध प्रॉफिट की बात करूँ तो 8 लाख करीब हो जाता है 6000 कॉकरेल की फार्मिंग करने में एक साल में। तो आप भी सोच रहे थे कि फार्मिंग करने का कॉकरेल की फार्मिंग, तो दोस्तों यह बॉयलर की फार्मिंग से काफ़ी अच्छी होती है, मैंने आपको कई बार बताया हूँ, यदि आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए दोस्तों, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है। बट प्रॉब्लम रहती है माल सेल करने की, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था किस तरह से माल सेल किया जाता है इसका। ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।